हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी सिलेबस के अध्याय एक जीवों में जनन के भाग छः को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे निषेचन और पश्च निषेचन घटना के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन घटना के बारे में। निषेचन या फर्टिलाइजेशन, तो क्या होता है निषेचन? हम लिखते हैं, जब नर एवं मादा युग्मक संलयित होते हैं तो इसे युग्मक संलयन या सिनगेमी कहते हैं। परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज या डिप्लोइड जाइगोट का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या कहते हैं। तो आपको समझ में आया निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब नर और मादा युग्मक, जो कि अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, जब इन दोनों का संलयन होता है तो इस संलयन को हम युग्मक संलयन या सिनगेमी कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट इसमें क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज या डिप्लोइड जाइगोट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन कुछ जीवों में बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया जीव या युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो यहां हम लिखते हैं आगे, कुछ जीव जैसे मधुमक्खी रोटीफर्स एवं कुछ छिपकलियां या छिपकलियों में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक युग्मनज का निर्माण कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते
कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि अनिषेक जनन क्या है? कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, रोटीफर्स या कुछ छिपकलियाँ, उनमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक विकसित होकर युग्मनज का निर्माण कर देता है। इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन और दूसरा अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये अंतः निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले हम लेते हैं बाह्य निषेचन को। बाह्य निषेचन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? जो शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन क्या है, परिभाषा क्या होगी? ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, जैसे पानी वगैरह में जो निषेचन होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण जैसे मछली, शैवाल, उभयचर आदि में बाह्य निषेचन पाया जाता है। अब लेते हैं हम दूसरा, अंतः निषेचन। अंतः निषेचन जो कि शरीर के अंदर होता है उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है अंतः निषेचन कहलाता है। तो अंतः निषेचन जो शरीर के अंदर होने वाला निषेचन अंतः निषेचन कहलाता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण जैसे मनुष्य के अंदर निषेचन होता है, बॉडी के अंदर निषेचन होता है, पक्षी और स्तनधारियों में। इन सभी में क्या होता है? अंतः निषेचन पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन की सबसे अंतिम घटना पश्च निषेचन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। पश्च निषेचन
या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, पश्चिम निषेचन घटना में जो निषेचन में या निषेचन की क्रिया में बना जो युग्मनज होता है वो अपने अंदर समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके एक विकसित भ्रूण का निर्माण करता है, तो इसे हम पश्च निषेचन घटना कहते हैं। तो लिखते हैं हम पश्च निषेचन घटना में निषेचन की क्रिया में बना युग्मनज अपने अंदर समसूत्री विभाजन कर समसूत्री विभाजन कर भ्रूण का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को पश्च निषेचन कहते हैं। अब पश्च निषेचन में होता क्या है कि जो युग्मनज जो निषेचन की क्रिया में बनता है वो अपने अंदर समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके एक विकसित भ्रूण का निर्माण करता है। तो किस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक युग्मनज है और ये युग्मनज अपने अंदर समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन, जब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन करके ये अंत में, ये इसे हम विकासशील अवस्था कहेंगे। ये कौन सी अवस्था है, विकासशील अवस्था। ये इसमें निरंतर विकास करता जाएगा, अपना डेवलपमेंट करता जाएगा और अंत में एक भ्रूण का निर्माण यह कर देगा। तो यह पूरी प्रक्रिया पश्च निषेचन कहलाती है। पश्च निषेचन घटना में भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो समझते हैं पश्च निषेचन घटना के कुछ टर्म्स को या कुछ शब्दों को। भ्रूणोद्भव क्या है, इसे इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव क्या है, निषेचन निषेचन की क्रिया में बना युग्मनज विकसित होकर जब भ्रूण का निर्माण करता है तो इस क्रिया को भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस
एम्ब्रियोजेनेसिस, कहते हैं। तो आपको समझ में आया एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे ओवीपेरस या अंडप जनन या ओवीपेरस। ओविपेरस या अंडक जनन किसे कहते हैं। यदि युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है तो उन जीवों को ओविपेरस कहते हैं। यदि युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है शरीर के बाहर होता है तो उन जीवों को अंडप जनन या ओविपेरस कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होता है उन्हें हम ओविपेरस या अंडप जनन कहते हैं। यानी कि जैसे जो पक्षी होते हैं, जो अंडे देने वाले जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी ओविपेरस की कैटेगरी में। अब हम पढ़ेंगे सजीव प्रजक के बारे में। सजीव प्रजक किसे कहते हैं। अगला सजीव प्रजक, या इंग्लिश में इसको विविपेरस भी कहते हैं। यदि नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है एवं उसका विकास शरीर के अंदर ही होता है तो ऐसे जीवों को सजीव प्रजक या विविपेरस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे गाय भैंस बकरी और मनुष्य वगैरह, इन सभी में क्या होता है शरीर के अंदर ही युग्मनज का क्या होता है विकास होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अंडप जनन की जगह आप अंडप जन कर लीजिए, ये अंडप जन होगा, अंडप जनन नहीं। ठीक है, तो अंडपजन और सजीव प्रजक और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में आपको समझ में आया। स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम हमारे अगले अध्याय दो के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।